यू बाय माय 11 सर्कल विन फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ एंड लग्जरी कार डाउनलोड नाउ। 6 दिन हो गए हैं, इंतजार है FIR रजिस्टर होने का। IOA से भी बड़ा स्टेटमेंट आया कि ये खिलाड़ी जो कभी देश के लिए पदक लाते हैं, आज वो देश की जो है छवि खराब कर रहे हैं और ये स्टेप स्पोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। विनेश, आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि जो मेडल लाने, यानी आप जो मेडल लेकर आते हैं उस वक्त पर देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन आज आप रोड पर हैं तो देश का नाम खराब हो रहा है? देखिए, हम ही जो देश का नाम भी रोशन करते हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी, और देश का नाम खराब करने की वो नहीं है। खिलाड़ियों की जिंदगी खराब हो रही है वो कोई क्यों नहीं देख रहा है। खिलाड़ी, देश ने खिलाड़ी बनाया है, खिलाड़ी सम्मान और मान सम्मान जो भी वो दिलाता है और आगे भी दिलाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन रोड पे आने को मजबूर किसने किया वो सब क्यों नहीं देख रहा है? और किसी को दिखाई दे रहा है कि देश की छवि खराब हो रही है? अगर इतना ही देश की परवाह करते हैं तो क्यों नहीं हमारी समस्या का समाधान कर देते? विनेश, तमाम लोगों से आप लोगों ने अपील की थी कि आइए सपोर्ट करिए, जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, एथलीट्स भी हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, अभी तक आपको लगता है कि वो समर्थन दूर है आपसे? बस देखो, लड़ाई बहुत बड़ी है, सभी को ये पता है, और डायरेक्ट लड़ाई कोई करने से सभी बच ही रहे हैं। और क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं एज एथलीट जब मैं बोलती थी तो मेरे को कितना परेशान किया जाता था, तो बाकी एथलीट को भी ऑब्वियसली किया जाता होगा, और क्योंकि उनका कैरियर है। बस एक है कि जो सक्षम है वो बोल सकते हैं, और आज नहीं बोले ना फिर कभी नहीं बोल पाएंगे। तो एक मेरा वो है कि उनको बोलना चाहिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं उनके लिए भी, तो वो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की लड़ाई है। अगर आज नहीं बोले तो मुझे नहीं लगता कभी कोई बोलेगा, ये आवाज़ इतनी नीचे दब जाएगी। मतलब ये वक्त है यूनाइट होने का, एकजुट होने का और एक साथ लड़ने। बिल्कुल, देखो अगर ब्रजभूषण को बचाने के लिए अगर सब कुछ एक हो गया है, इतने भ्रष्ट आदमी को, इतने गंदे आदमी को लगा लो, तो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जो देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, अगर वो एक साथ हो जाएंगे तो कौन, दुनिया की कौन सी ताकत है जो उनको रोक सकते हैं इंसाफ लेने से। संगीता, आपका क्या इस पूरे मामले पर टेक है, क्योंकि बहुत संजीदा हो चुका है मामला? 6 दिन हो गई आपकी लड़ाई को, और देखा जाए तो 8 दिन हो गया जब आपने कंप्लेंट दी थी। देखिए जी, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जितना भी आज 6 दिन हुए हैं, कल 6 महीने होंगे, 6 साल होंगे जब तक हमें पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल जाता, क्योंकि एक हमारी रेसलिंग की खिलाड़ी की महिलाओं की नहीं है, एक पूरी देशवासियों की महिलाओं की आवाज़ है। अगर आज हमें इंसाफ नहीं मिल पाया तो मुझे नहीं लगता कल कोई महिला उठ के अपने खिलाफ हुए गलत अत्याचार का कोई आवाज़ उठा पाएगी। IOA से जो कल बयान आया, आप उसको किस नज़रिए से देखती हैं, और एक खिलाड़ी होने के नाते आप भी निराश हैं उस बयान से? जी बिल्कुल, क्योंकि PT उषा मैम एक खुद खिलाड़ी हैं, तो वो और एक महिला हैं, तो उनको हमारा दुख समझना चाहिए था कि हम लड़कियां आज मैट को छोड़कर यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो कोई तो बात होगी हमसे। बाकी हमने, विनेश ने फ़ोन भी किया था उनको उस टाइम पे कि हम उषा मैम से रिक्वेस्ट करके देखते हैं, पर उन्होंने फ़ोन पिकअप नहीं किया था। हम इंसाफ के, हम हर जगह हर गेट हमने इंसाफ के लिए खटखटाया है। मजबूरी में हम यहाँ, जब हमारी आवाज़ कहीं नहीं सुनी गई तो हम यहाँ पे मजबूरी में जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपने देखा, ये थी संगीता। 6 दिन हो गए हैं और सभी खिलाड़ियों का यही कहना है कि हमने ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं होगा जो खटखटाया नहीं है इंसाफ पाने के लिए। लड़ाई चाहे जितने भी लंबी हो, हम डटे रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।